वेलकम एवरीबॉडी अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल नुक्कड़ एक्सप्रेस। दोस्तों इस वक्त जो मैं है, ये जो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में मेरे सिटीजन यूनिफॉर्म, मैं ये सिटीजन यूनिफॉर्म इस शॉप को, इस कंपनी को मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। इस वक्त जो मैं हूँ वो मीरा रोड के में हूँ, और ये जैसे कि आपने शिवाजी का पुतला देखे, शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो पुतला देखे, ये बिल्कुल सनराइज होटल जो यहाँ पे है इसके सामने है। इस सिटीज़न यूनिफॉर्म के अंदर क्या मिलता है, किस तरह के स्टफ मिलते हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करके बताना चाहता हूँ। आज हम उसी को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए आइए हम सिटीज़न यूनिफॉर्म का जो शॉप है, जो दुकान है, उसके अंदर जाते हैं। जैसे ही सनराइज़ रेस्टोरेंट के सामने बिल्डिंग के उधर फर्स्ट फ्लोर पे ये सिटीज़न यूनिफॉर्म की ये जो है ये शॉप है। हम जैसे ही यहाँ पे अंदर आएंगे, आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक से पूरी भरी हुई दुकान है। ये जो यूनिफॉर्म जो है, जैसे रेस्टोरेंट है, ढाबा है, होटल्स वगैरह है, इसके अंदर जो भी स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है वो तमाम चीज़ों का यहाँ पर भरपूर स्टॉक है। और आप देखोगे तो पूरी दुकान जो है स्टॉक से भरी पड़ी हुई है। तो इस स्टॉक में किस तरह के स्टॉक अवेलेबल है, थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लोर करता हूँ। तो कनेक्ट रहिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ। इकबाल भाई, ये जो स्कूल यूनिफॉर्म रहते हैं, मल्टीपल दूसरे स्कूल दूसरी तरह के यूनिफॉर्म रहते हैं, तो आप ये जो है होटल लाइन के अंदर जो स्टाफ को जो यूनिफॉर्म देते हैं, तो ये आप ये बिजनेस कितने साल से कर रहे हो? ये मेरे को हो गया कम से कम 25 साल। अच्छा। और तो मेरा अपना जो है ना, ज़्यादातर सब जो है ये सब लाइन अलग अलग है। अच्छा। अभी ये जैसे अपन स्पेशल होटल इंडस्ट्री का बराबर ये लेके बैठे हैं, मतलब होटल लाइन में भी बहुत सारा होता है। बैंक्वेट का अलग होता है। अच्छा। रेस्टोरेंट का अलग होता है, लॉन्च का अलग होता है, गेस्ट हाउस का अलग होता है, अपना पार्टी हॉल का अलग होता है, सबका अलग 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 यूनिफॉर्म रहता है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। इतना डीप है ये? हाँ, इतना डीप है। अच्छा। और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, हाँ, कॉर्पोरेट्स का भी यूनिफॉर्म का ऑर्डर अपन लेते हैं। जैसे कि गाड़ी के शोरूम है, हाँ, जैसे उनका मेजरमेंट से जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है उसका फुल शर्ट, हाँ, ट्राउजर, ब्लेजर। अच्छा। जैसे ये है। अच्छा, ये जो ब्लेजर की आपने बात निकाले, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने सारे ये जो ब्लेजर है, हाँ, तो ये ब्लेजर किस तरीके के है, ये ब्लेजर क्या है, ये जरा बताएंगे? ये ब्लेजर जो है, हाँ, कॉमन स्टैंडर्ड साइज के आते हैं। अच्छा। 36, 38, 40, 42, हाँ, ऐसा। मतलब कैसा रेस्टोरेंट में स्टाफ है ना, शफल होता रहता है, हाँ, तो एक का यूनिफॉर्म दूसरे को आना मांगता है। अच्छा। तो वो हिसाब से सब रेडीमेड साइज रहता है और ऑन द स्पॉट अवेलेबल होना मांगता है। बराबर। तो अपने को फ्रीक्वेंटली चाहिए तो ये दो आइटम अपने पास रेडी रहता है। अच्छा। तो ये मतलब आपकी सिग्नेचर आइटम है, जैसे ये रेगुलर कोई भी होटल में लगती है। ये इस तरह की यूनिफॉर्म कौन पहनता है? ये जो है मैनेजर, कैप्टन, जो मेन स्टाफ रहता है ना, हाँ, उसके लिए। अच्छा। और ये जो कलर है, जैसे ब्लैक कलर है, ये लाइनिंग्स है, तो इस तरह में बहुत सारी वैरायटी आती होगी ना? बहुत सारी वैरायटी, इसमें पूरा शेड कार्ड आता है। अच्छा। उसके अंदर जो कलर चाहिए वो कलर का अपने को बना के मिलेगा, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग भी हम खुद ही करते हैं? हाँ, खुद ही करते हैं। वाओ। तो अपने पास जो भी है, मतलब कोई भी पैटर्न हो, ये कॉमन पैटर्न है, ये सिंगल ब्रेज बोलते हैं। अच्छा। इसको अपन सिंगल ब्रेज बोलते हैं, बोले तो ये सिंगल लाइन में बटन रहता ना, उसको सिंगल ब्रेज बोलते हैं। जो दो लाइन में रहता है उसको डबल ब्रेज बोलते हैं। जो अपना ये चाइनीज कॉलर होता है उसको जोधपुरी बोलते हैं। अच्छा। तो मतलब अगर ये मैनेजर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो किसी भी होटल वाले को अगर ये स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो तुम्हारे पास जो है 7 डे अवेलेबल है, मतलब? हाँ, एनी टाइम आ जाने का अपने पास रेडी स्टॉक मिलेगा, सब साइज अवेलेबल है, 36 से लेके 42 तक जो कॉमन रनिंग साइज है, सब पूरा टोटल आपको रेडी ऑन द स्पॉट पहनो और आप जाओ। इकबाल भाई, होटल में जो कैप्टन रहता है उसके ताल्लुक से अपने पास क्या क्या प्रोडक्ट है? कैप्टन के लिए ज़्यादातर जैसे मतलब ये जैसे ब्लेजर टाइप ही रहता है थोड़ा। अच्छा। मतलब मैनेजर के बाद कैप्टन का जो पोस्ट आता है ना, हाँ, तो मतलब कैप्टन बोलेंगे तो सब पूरा होल एंड सोल वो कैप्टन
पूरा संभालता है रेस्टोरेंट को, तो उसको थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है। तो जैसे ये जोधपुरी कोट है। अच्छा, इसको जोधपुरी कोट बोलते हैं। हाँ हाँ, इसके अंदर ये दो कलर रेडी है। अच्छा, ज्यादातर तो ना ऐसा फॉर्मल होता है। अच्छा, कैप्टन में है। कैप्टन में है, शर्ट पैंट और टाई। अच्छा, सिंपल कॉर्पोरेट लेवल का। अच्छा, वैसा टाइप का रहता है। अच्छा, तो इसमें बहुत सारे कलर्स है। अच्छा, इसमें जो कलर्स मांगता हो कलर्स मिलेंगे अपने पास। 5-6 कलर तो एनी टाइम रेडी रहता है। अच्छा, इतना ज्यादा वैरायटी अपने पास। हाँ, होटल में जो स्टीवर्ड रहता है वो एक की फैक्टर रहता है, तो उसके यूनिफॉर्म के बारे में डिटेलिंग क्या है अपने पास? स्टीवर्ड बोलेंगे तो कैसा, वेटर भी बोलते हैं, स्टीवर्ड भी बोलते हैं। हाँ, और उसको फ्रंट सेल्समैन भी बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि कस्टमर के सामने जो प्रेजेंटेशन देता है वो मेन वेटर होता है। बराबर, तो उसको थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। हाँ, तो वो हिसाब से अभी देखो आजकल ये चल रहा है, ये मोदी जैकेट चाइनीज कॉलर, ठीक है। फिर उसके बाद ये वेस्ट कोट बोलते हैं, ये जो है ना वेस्ट कोट होता है। अच्छा, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट कॉमन यूनिफॉर्म रहता है, उसके ऊपर ये पहनते हैं, पीछे ऐसा इसको सेटिंग रहता है। ओके, ठीक है। इसमें ये चेक्स रहता है, ये प्लेन रहता है, अच्छा ब्लैक, ये रेड, ये चेक्स, फिर इसके नीचे ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, जैसा सब अलग अलग। तो इतनी सारी वैरायटी इसमें रहती है। ये सब रेडी स्टॉक अपने पास। अच्छा, जब भी चाहिए आ जाओ, ताबड़तोब आपको रेडी स्टॉक मिल जाएगा। अभी ये जो है ना, हाँ, ये हाउस कीपिंग बोलते हैं इसको। अच्छा, हाउस कीपिंग बोलेंगे तो हर जगह पे रहता है। अच्छा, रेस्टोरेंट में तो रहते ही, हाउस कीपिंग बोलेंगे तो साफ सफाई वाला हो गया। हाँ, सोसाइटी में रहता है, मॉल्स में रहता है, फैक्ट्रीज में रहता है, सब जगह हाउस कीपिंग बोले तो सब जगह कॉमन रहता है। तो इसमें और क्या क्या वैरायटी है इसमें? देखो ये सब ऐसे जोड़ी रहता है। अच्छा, ये फ्री साइज रहता है। ओके, ठीक है। डेली वेजेस पे भी बहुत टाइम आते वो लोग, और ये एक गया स्टाफ तो उसका यूनिफॉर्म दूसरा भी पहन सके। अच्छा, इस तरीके मतलब ये लाइट कलर भी रहते हैं। लाइट कलर है, ये मीडियम कलर है। अच्छा, ये अट्रैक्टिव कलर है। अच्छा, ये सब इसमें अलग अलग रहता है। अच्छा, जिसका चॉइस, ये चेक्स है। फिर ये जो है रेस्टोरेंट का जो किचन यूटिलिटी होता है ना। हाँ, किचन यूटिलिटी में क्या, थोड़ा डार्क कलर चलता है। अच्छा, जैसे वो गंदा होता है ना। हाँ, कुछ भी बर्तन बर्तन साफ करते हैं, धोते करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा डार्क कलर चलता है। ये ऐसा, ये भी फ्री साइज रहता सब। तो इसमें और भी कलर आते हैं कितने ही है? इसमें बहुत सारे कलर है। अच्छा, इसमें पूरा चार्ट आता है। अच्छा, जो कलर चाहिए वो कलर मिल जाए। तो अपने पास सब मैन्युफैक्चरिंग सब पूरा टोटल A to Z अपने पास अवेलेबल है। अवेलेबल है, गुड। तो लिमिटेड 8-10 कलर अपने पास रेडी स्टॉक है। अच्छा, बाकी जो कलर बोलो ऑर्डर से बन के मिल जाए। गुड, ये पार्सल वालों के लिए अपने पास क्या है? पार्सल वाले लोग के लिए थोड़ा ऐसा अट्रैक्टिव कलर रहता है। अच्छा, ब्राइट कलर जैसा मतलब दिखना मांगता है। अच्छा, सबके बीच में कि भाई देखो ऐसा ये अपना पार्सल वाला आ रहा है। अच्छा, दूर से भी मालूम पड़ना मांगता है, ऐसा रेड है। अच्छा, ये येलो है, फिर ये ऐसा ऑरेंज है, इसमें बहुत सारे कलर है। ये चेक्स है, इसके नीचे ऐसा पैजामा आता है फ्री साइज। ये ट्रैक पैंट की तरह कोई भी पहन सकते हैं। और अपना होटल का जो नाम भी रहता है ना। अच्छा, वो ऐसा एम्ब्रॉयडरी हो जाता है, कस्टमाइज करके दे देते। कस्टमाइज करके दे देते। गुड, ये जैसा है ना ये रिसोर्ट का, वैसा नाम एम्ब्रॉयडरी हो जाता है। ये हो गया सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म। अच्छा, वॉचमैन का जो रहता है ना। हाँ, रेस्टोरेंट के बाहर। हाँ, ये जो है पूरा सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म है। अच्छा, इसमें बहुत सारे कलर्स है, जो रनिंग कलर है स्काई ब्लू, बिस्किट ब्लैक, ये सब कॉमन कलर्स है। ये इसके नीचे इसका पैंट है, फिर इसका एसेसरीज है, सिक्योरिटी कैप हो गया,
ये बेल्ट हो गया, ये अपना लाइनर हो गया, विसल हो गया, ये पार्किंग के लिए ऐसा कैब चलता है। तो मतलब सिक्योरिटी के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास। हाँ, और इसके अलावा भी और भी होगा ना? इसके अलावा और अपने पास सफारी रहता है। अच्छा, पहले पार्किंग का जो रहता ना सफारी। हाँ, अच्छा, सफारी भी मिल जाएगा अपने पास रेडी में। ओके, गुड। सिक्योरिटी के साथ में ये ऐसा भी रहता है, मतलब जो बाउंसर लोग रहते हैं ना, हाँ, वैले पार्किंग में, हाँ, या मेन जो मतलब रहते ना जो सिक्योरिटी के सीनियर ऑफिसर लोग, वो लोग के लिए सफारी रहता है ऐसा। अच्छा, ये भी अपने पास रेडी मिल जाएगा। अच्छा, इसमें भी सब अलग अलग साइजेस है। अच्छा, और ये क्या है? ये भी इसी तरीके से दूसरी एक पार्टी का यूनिफॉर्म है। कस्टमाइज है ये? कस्टमाइज है। नाम के साथ? नाम के साथ। अच्छा, अगर कोई अपना इस तरह जैसे इस पे पाली विलेज लिखा हुआ है, हाँ, तो कोई अगर अपना नाम चाहता है कि, हाँ, भाई नाम के साथ हो, तो वो भी अपने पास एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी। एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी। इकबाल का ये सब क्या है अभी? अभी रेस्टोरेंट टीम हो गया, अभी पूरा किचन टीम है। अच्छा, तो किचन में सबसे पहला आता है मेन उस्ताद। अच्छा, मेन उस्ताद का ऐसा फुल स्लीव्स रहता है ये ऐसा। अच्छा, ठीक है। फिर ये इसका एप्रन, ये एप्रन रहता है इसका, ये इसका एप्रन। फिर शेफ कैप, ये शेफ कैप, ये शेफ का कैप, ये सब कैप रहता है। और आजकल इसकी जगह पे ये बंदाना चलता है। अच्छा, ये इसमें गर्म नहीं होता है, इसमें क्या जाली टाइप रहता है ना। अच्छा, तो बाल को पकड़ के रखता है। गुड, ये हो गया मेन शेफ का। अच्छा, तो सेम वैसे ही असिस्टेंट शेफ का हाफ स्लीव रहता है। अच्छा, ये फर्क रहता है मेन शेफ और ये असिस्टेंट के अंदर, ये फर्क रहता है? फर्स्ट कॉम्बी सेकेंड कॉम्बी। अच्छा, ऐसे वालों का ये रहता है स्टैंडर्ड। अच्छा, रहता है ये फर्स्ट कॉम्बी हो गया, ये सेकेंड कॉम्बी हो गया, फिर इसके नीचे ये हेल्पर हो गया। अच्छा, ये हो गया वाइट में रेंज। अच्छा, अब वाइट में इसका एक स्पेशलिटी होता है कि किचन में गंदा होने के बाद भी वाइट क्यों करते हैं, तो उसका एक रीज़न होता है कि भाई किचन में जब ग्रेवी उड़ता है वो लोग लॉन्ड्री में डालते हैं, तो लॉन्ड्री में केमिकल यूज़ होता है दाग वगैरह निकालने के लिए, तो वाइट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो इसके लिए ये और क्लीन हो जाता। ये हो गया किचन टीम। अब इसके अंदर जो है अलग अलग कलर भी आते हैं, और वाइट कॉमन हो गया तो सब लोग को कलर में चाहिए, तो जो ये मेन शेफ का, फिर वैसे ही सेम और थोड़ा डिफरेंट कलर में चाहिए, ये असिस्टेंट का हो गया, फिर ये हेल्पर का हो गया, इसमें और एक कलर भी है ये ब्लू कलर में, ये भी है असिस्टेंट शेफ के लिए, इसमें फुल स्लीव भी आएगा, फिर ये हेल्पर हो गया ब्लू कॉम्बिनेशन में, फिर ये हो गया थ्री फोर स्लीव्स का, ये थ्री फोर स्लीव्स है, और ये हेल्पर का हो गया। फिर अपना ये किचन यूटिलिटी का प्लास्टिक एप्रन होता है ऐसा, प्लास्टिक का ही? प्लास्टिक का ही है, वो पानी में कपड़ा गंदा नहीं होना बनता है। अच्छा, उसके लिए। और सबके नीचे पैजामा होता है। अच्छा, ऐसा प्लास्टिक वाला, कंफर्टेबल। ये किचन टीम को जो है ना CDP बोलते हैं। अच्छा, शेफ दी पार्टी, मतलब वो शेफ की पूरी पार्टी रहती है, पूरी टीम होती है। अच्छा, भाई उसका यूनिफॉर्म हो तो पूरा उसका कंप्लीट अपने पास पैकेज है, मतलब पैकेज है। अभी आजकल जो फास्ट फूड आउटलेट है ना, हाँ, उसमें ज़्यादातर जो है ना ऐसे टी शर्ट का कॉन्सेप्ट रहता है। अच्छा, ऐसे टी शर्ट, ये मल्टी कलर के टी शर्ट, हाँ, उस पर इस तरह से प्रिंटिंग हो जाता है, जैसे ये फोटो प्रिंट है ना लाइट कलर में, स्क्रीन प्रिंटिंग ये। मैं इधर रोकना चाहूँगा इकबाल भाई को, ये जो मेरा टी शर्ट है,
ये टी शर्ट मुझे इकबाल भाई ने बना के दिया है डेमो के तौर पे, ये बताने के लिए कि देखिए इसके अंदर, वो अगर कोई होटल वाला चाहता है कि उसके नाम का बने तो इस तरीके से जो पीछे आप देख रहे हो कस्टमाइज जो है, जो नाम चाहता है वो नाम आ सकता है, और ये लोबो वगैरह जो जिस तरह से चाहे अपनी सहूलत से। तो ये डेमो के तौर पे इन्होंने मुझे बना के दिया है, और इसी तरह की टी शर्ट है ना ये। हाँ, इसमें मतलब 25-30 कलर के टी शर्ट आते हैं। हाँ। ये सब रनिंग कलर से है। तो इसमें साइज, इसमें सब साइज मिलता है। अच्छा, दो साइज मांगता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। फिर इसके बाद अपना जो कस्टमाइज टी शर्ट चाहिए, जैसे कॉरपोरेट्स में और ऑफिस वेयर में सब, जैसे मतलब कॉलर अलग चाहिए, स्लीव्स अलग चाहिए, ऐसा कुछ भी, कुछ भी, कोई भी पैटर्न अपने को जो पैटर्न चाहिए वो पैटर्न अपन बना सकते हैं। अपना खुद का टी शर्ट का भी खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। इकबाल भाई, ये आपने क्या सजाया है, ये ज़रा एक्सप्लेन करेंगे? ये सब जो है ना, एसी फाइन डाइन रेस्टोरेंट रहता ना। अच्छा, फैमिली रूम, बैंक्वेट हॉल, वो उसके लिए मतलब ये सब टेबल सेटिंग है। अच्छा, सब मतलब जो स्टैंडर्ड रहता ना। हाँ। जैसे 3-star, 5-star या एक ग्रेट फैमिली रेस्टोरेंट, उसके लिए टेबल सेटिंग होता है, ये टेबल क्लॉथ होता है। अच्छा, ये टेबल क्लॉथ है पहला। हाँ, फिर उसके बाद ये रनर है। अच्छा, इसको रनर बोलते हैं। हाँ, फिर ये क्लॉथ नैपकिन है। अच्छा, ऐसे पूरा सेट आता है। तो ये एक है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ऐसे बहुत सारे कलर वैरायटी सब उसके अंदर मिल जाएगा टोटल। अच्छा, मतलब अगर हम लोग सब दिखाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, तो इतनी सारी वैरायटी है अपने पास। हाँ, सब मतलब रेस्टोरेंट का नियर अबाउट सारा आइटम अपने पास है। गुड। ये जो अपना कैटर्स वाले, कैटरिंग वाले जो रहते हैं ना, शादी ब्याह बैंक्वेट में और हॉल वॉल में, जो शेफ का जो काउंटर रहता है ना, फूड काउंटर, फूड काउंटर के ऊपर ये एप्रन अटैच रहता है। अच्छा, और ये ऐसा पीछे रहता बांधने का, और इसके ऊपर ये ऐसा शेफ के पास है। अच्छा, तो ये मतलब जो है ज्यादा करके कैटरिंग वाले यूज करते हैं। कैटरिंग वाले, तो इसका भी, कैटरिंग वालों का भी यूनिफॉर्म का पूरा प्रोडक्ट अपने पास मौजूद है। इकबाल भाई, ये सब चीजें क्या है, एक्सप्लेन करेंगे? ये क्या है? ये एक्चुअली डोरमैन का पगड़ी है। अच्छा, डोरमैन ड्रेस होता है ना, जो मेन गेटमैन होता है। हाँ, जो गेट पे खड़ा रहता है, बड़े बड़े 5-star रेस्टोरेंट के गेट पे। अच्छा, फैमिली रेस्टोरेंट जो एसी वीसी का डोर वोर, डोरमैन बोलते हैं उसको। अच्छा, डोरमैन। तो ये डोरमैन ड्रेस है। अच्छा, ये डोरमैन का ड्रेस हो गया। हाँ, ये बाहर एसेसरीज है, काउंटर एसेसरीज है, टाई है। अच्छा, वो है, एक सस्पेंडर है, एक क्रावेट है। अच्छा, एक क्रावेट सूट के ऊपर पहनते है। अच्छा, जो बैंक्वेट मैनेजर वगैरह रहते हैं ना, वो पहनते है। तो दोस्तों, आज इस शॉप को एक्सप्लोर करने के लिए आपने देखा कि इनके पास कितनी ज़्यादा वैरायटी है, कितना ज़्यादा स्टफ़ है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हमने बहुत कम दिखाया है कि कम से कम के अंदर दिखाया, फिर भी मुझे जानता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आपको अगर यहाँ से अगर कुछ परचेज़ करना हो, आपको यहाँ पर आना हो, तो इसकी, इस जगह का जो एड्रेस है, इस जगह का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इकबाल भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है, जो कंपनी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो तमाम चीज़ें मैं स्क्रीन के ऊपर भी दे रहा हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रहा हूँ। और एकदम ईजी है, गूगल का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। आप यहाँ पर आकर डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ईजीली 24 hours 7 days अवेलेबल है। और जैसे कि आप अगर इमरजेंसी रो और आपको रेडीमेड में चाहिए, तो भी इनके पास जो है इतना ह्यूज जो है स्टॉक अवेलेबल है, रेडी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को इसी के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द फिर नई जगह पर फिर दोबारा आपके साथ रूबरू होंगे। खुश रहिए।